जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में अपने वादे के अनुसार मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सबसे धमाकेदार क्लास, लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ बायोलॉजी। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज है। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा नहीं गया है बायोलॉजी से संबंधित। चूंकि आपको पता होगा कि मैं मैथ और रीजनिंग का एक्सपर्ट हूं और मैथ रीजनिंग का लगभग 700-800 क्लास आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा चुका हूं। और बेहतर तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आप सभी को पता होगा कि अधिक से अधिक क्लास मैं रेगुलर यूट्यूब पे दे रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आज के क्लास में 1000 महत्वपूर्ण बायोलॉजी को हम लोग देखेंगे, इसलिए बिल्कुल शांत चित होकर, कंसंट्रेट होकर कहीं शांत जगह पे बैठ जाएं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 1000 प्रश्न है, एक बार में नहीं तो दो बार में इसको जरूर देख लें। पीडीएफ प्राप्त करना है तो आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में यही कैपिटल लेटर में लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, सेम यूट्यूब वाला जो लोगो है क्लास का वही लोगो देख के ज्वाइन करें। रेगुलर आपको मैथ का चैप्टर वाइज असाइनमेंट का पीडीएफ या बुक का पीडीएफ या साइंस का, इसके पहले मैं 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री, 1000 बायोलॉजी, लूसेंट का पूरा निचोड़ दे चुका हूं। 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री और ये 1000 बायोलॉजी है जिसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, जरूर प्राप्त करें। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग 90% कवर हो जाएगा। हर तरह के प्रश्नों का निचोड़ फिजिक्स में भी मैंने किया था न्यूमेरिकल पॉइंट के साथ, फिर केमिस्ट्री में भी आपको रासायनिक फॉर्मूला के साथ पूरा मैंने उसको बताया है, एक एक पॉइंट एक एक लाइन करके। और आज बायोलॉजी का एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अधिक जानकारी के लिए आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को फायदा मिले। और किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले इससे आप 2-3 बार जरूर देख के जाएं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा यदि बायोलॉजी से आएगा तो। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन से धमाकेदार शुरुआत। थोड़ा फास्ट भी चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। आराम से आप सुनिए और पीडीएफ प्राप्त करके 2-3 बार जरूर इसको रीड कर लीजिए, बहुत ही फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। एकदम जीरो से एपेक्स तक हम लोग जीरो से लेकर चलेंगे और एक एक पॉइंट का चर्चा करते चलेंगे। विज्ञान की भाषा का जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे 1801 में, यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1801 ईस्वी में लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरेनस जर्मनी के द्वारा। जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन के जंतु विज्ञान, जूलॉजी। पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं, बॉटनी। वातावरण से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु, यानी बायोलॉजी का पिता अरस्तु, जूलॉजी का पिता अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का पिता थियोफ्रेटस। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, जंतु समूह, वनस्पति समूह। अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 समूह में, जंतु समूह, वनस्पति समूह। सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखा है? कैरोलस लिनियस ने, स्वीडिश वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, इनका एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरा, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, कैरोलस लिनियस द्वारा जीवधारियों को कितने भागों में विभाजित, कितने जगत में विभाजित किया? 2, जंतु जगत, पादप जगत, जंतु जगत, पादप जगत, 2 समूह, जंतु समूह, वनस्पति समूह, वही बोल सकते हैं आप। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, ये जन्म और मृत्यु दिया हुआ है। थियोफ्रेटस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो हिस्टोरिया प्लैनिटेरियम।
अब ये भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिया प्लेनिटेरियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेटस बोटनी के पिता। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन कहता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस। इसको उलट के भी क्वेश्चन पूछता है कि मेडिकल के जो छात्र होते हैं, डॉक्टर होते हैं, किसका शपथ लेते हैं, तो हिपोक्रेटस का शपथ लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। नेचुरल हिस्ट्री प्रकृति विज्ञान नामक पुस्तक लिखी प्लिनी ने, प्रकृति विज्ञान नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। प्रयोगात्मक कारिकी का पिता, कारिकी के यहाँ पे होना चाहिए, प्रयोगात्मक कारिकी का पिता गैलेन। आगे प्रयोगात्मक कारिकी का पिता गैलेन। आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण कब हुआ, 13वीं सदी में एल्बर्ट्स मार्कनस की पुस्तक ऑन एनिमल्स से जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ 13वीं सदी में। देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना प्रयास के बावजूद त्रुटियां रह जाएगी तो उसके लिए मैं आपका सुझाव का स्वागत करूंगा। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं, युगलीना। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी को युगलीना। फिलोसोफिया बोटनिया के लेखक कौन है, कैरोलस लिनियस। फिलोसोफिया बोटनिया के, सिस्टमा नेचुरा के, ये सब कौन है, कैरोलस लिनियस। 1969 में जीवधारियों के 5 भागों में विभाजित किसने किया, आरएच विटेकर ने। यहाँ पर हिटेकर या हिटकी भी बोल सकते हैं, आरएच विटेकर। 5 जगत कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। वैसे तो कैरोलिनियस 2 भाग में बांटा है, लेकिन आरएच विटेकर ने 5 भागों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। आगे देखते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया, मोनेरा के अंतर्गत। जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ये सभी जो भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं ये मोनेरा के अंतर्गत हैं। एक कोशीय जलीय यूकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। जैसे युगलीना हो गया, प्रोटोजोआ हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। क्वेश्चन इसे डायरेक्ट बनाता है कि प्रोटोजोआ किस समूह के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत। रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव किसमें, तो पादप में। जैसे सवाल हो गया, मॉस, पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, ये सभी पादप जगत में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार। यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी किसके अंतर्गत आते हैं, कवक के अंतर्गत। यूकैरियोटिक, परपोषी जीवधारी, कवक के अंतर्गत। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन नामक जटिल शर्करा से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा। सभी बहुकोशिकीय जंतुभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव जिसमें शामिल है, किसमें शामिल है, तो जंतु जगत में शामिल है। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी जंतु जगत में शामिल है। वर्गीकरण के आधारभूत का इकाई क्या है, जाति। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है, जाति, स्पेसिस। जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने 1753 में। जीवों के द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस 1753 में। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान है, वंश का, और द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द पहचान है जाति का। याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, देखिए वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस ने दिया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे वैज्ञानिक नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलैरिस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यहाँ पे होना चाहिए। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। केला का वैज्ञानिक नाम मुसाफारा डिसिका। याद रखिएगा, ये सभी को दो दो तीन तीन बार आपको पढ़ जाना है। सेब का वैज्ञानिक नाम मालुस पुमीला, मालुस पुमीला। आगे धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा, धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा। गेहूँ का ट्रिटकम एस्टिवम, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटकम एस्टिवम। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज, वैसे भी मेज मतलब मक्का होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सीटेबम सटिवम या पीसम सटिवम, मटर का। चना का सीसर एरिटिनम, चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूरोजम, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम टोरिजम
ट्यूरोसम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैगन का वैज्ञानिक नाम, यहाँ बैगन होना चाहिए, बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोनगेनम। देखिए आलू का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम लेकिन ट्यूरोसम, बैगन का भी सोलेनम मेलोनगेनम याद रखिएगा। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सिपिया या एलियम सपा, प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सिपिया या एलियम सपा, ओनियन मतलब प्याज होता है तो एलियम लगभग मिलता जुलता ध्वनि है। लहसुन का एलियम सैटिवम, तो बोले सर इसमें भी एलियम आ गया, तो प्याज का एलियम सपा या एलियम सिपिया भी दे सकता है, लहसुन का एलियम सैटिवम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम मिर्च खाते हैं तो कैप्सी सूसू करने रहते हैं, कैपसने लगते हैं तो कैप्सिकम एनम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम इंसुलेंटम, लाइकोपीन पाया जाता है इसलिए टमाटर लाल होता है, तो उसी पर आधारित वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम इंसुलेंटम। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिनिया टुबैकम, टुबैकम टुबैकम टुबैक माने तंबाकू होता है, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिनिया, निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है, निकोटियाना टुबैकम। पीली सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ब्रैसिका कंप्रेस्टिस पीली सरसों का याद रखिएगा। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सेक्रम ऑप्सिनेरम, सेक्रम ऑप्सिनेरम याद रखिएगा, सेक्रम ऑप्सिनेरम। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा लोटस लोटस, न्यूसीफेरा लोटस लोटस। काली सरसों का ब्रेसिका नाइजर, आप देखें पीली सरसों का ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस और काली सरसों का ब्रेसिका नाइजर। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा चाइनेंसिस, गुलाब का रोज मतलब गुलाब होता है तो रोजा चाइनेंसिस। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। लहसुन प्याज में गंध होता है एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, लहसुन प्याज में गंध होता है एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ककड़ी में तीखापन होता है, तीखापन तीजापन नहीं तीखापन, कुकुर बीटेसिन के कारण, कुकुर बीटेसिन के कारण। कुकुम्बर मतलब ककड़ी होता है तो उसे याद रखिएगा कुकुर बीटेसिन। गाजर का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। गाजर लाल रंग का भी होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, पीला कैरोटीन के कारण लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। मूली में तीखापन किसके कारण, आइसोसाइनेट के कारण। सलजम में कुलकुलाहट किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चना के पत्ती में नमकीन स्वाद माइलिक एसिड के कारण, नमकीन स्वाद। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन। कॉफी में क्या पाया जाता है तो कैफीन, कॉफी में कैफीन। चाय में पाया जाता है थीन, कॉफी में कैफीन चाय में थीन और दूध में कैसीन याद रखिएगा। आगे मजेदार खेसारी में क्या पाया जाता है, बोआ, खेसारी में बोआ। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव कौन से हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा प्रामिसियम युगलीना प्लास्मोडियम ये सारे आते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिकल्चर। अब देखिए अध्ययन से संबंधित, मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। आगे बढ़ते हैं कहता है मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, अब देखिए मत्स्य पालन तो पीसी कल्चर और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी याद रखिएगा दोनों, मत्स्य पालन पीसी कल्चर मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। सभी प्रकार के प्रश्नों के एक जगह इकट्ठा कर करके लिया गया है ताकि आप बेटर ढंग से याद करें और एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फूलों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है, फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी याद रखिएगा,
माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस मतलब विषाणु और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आंतरिक संरचना एवं उसके कार्य तथा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। डायरेक्ट पूछ सकता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, या कोशिका के आंतरिक संरचना एवं उसके कार्य तथा गुणों का अध्ययन साइटोलॉजी। सजावटी वृक्ष झाड़ी एवं के संवर्धन के विज्ञान को अर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष, बहुत सारे ऐसे वृक्ष रहते हैं जो बड़ा ही ब्यूटीफुल ढंग से सजाए जाते हैं पार्क में, तो उसका अध्ययन कहलाता है या उसका संवर्धन कहलाता है अर्बोरिकल्चर। सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। वृक्षों के आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों के आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी, औषधीय वृक्षों के बारे में अध्ययन फार्माकोलॉजी। फसलों के उत्पादन का अध्ययन एग्रोनॉमी, फसलों के उत्पादन का अध्ययन एग्रोनॉमी। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन जेनेटिक्स, जीनों का अध्ययन जेनेटिक्स। डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा को कहते हैं, कैलोलॉजी। मानव के सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। एक कीटों का अध्ययन था एंटोमोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोन्टोलॉजी, पेलियोन्टोलॉजी। जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोन्टोलॉजी। जंतु के नाक कान गले का अध्ययन विज्ञान के किसके किस शाखा के अंतर्गत, राइनोलॉजी। जंतु के नाक कान गले का अध्ययन राइनोलॉजी। रोगों की प्रकृति कारण लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति कारण लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, कोशिका, सेल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस पर की थी, कॉर्क पर। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका खोज कॉर्क पर। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ, माइक्रोग्राफिया। अब यहां से पुस्तक पूछ सकता है कि माइक्रोग्राफिया के लेखक रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर के संगठन का अध्ययन किसने किया, ल्यूवेनहॉक। कोशिका के अंदर के संगठन का अध्ययन ल्यूवेनहॉक। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है, 5000 अरब कोशिकाएं। मानव शरीर में 5000 अरब कोशिकाएं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की। आगे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे, सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र। कोशिका का आकार कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन। जीव द्रव्य का नामकरण किया पुरकिंजे ने, खोज किया डुजार्डिन ने, नामकरण पुरकिंजे ने 1838 ईस्वी में। मजेदार मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म, 1840 ईस्वी में पुरकिंजे के द्वारा। जीव द्रव्य को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने और कब दिया था, सुलज ने 1861 में। जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था सुलज ने 1861 ईस्वी में। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, 80%। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटते हैं, दो भाग में, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका के केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका के केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका में केंद्र के अंदर कौन रहता है, केंद्रक द्रव्य। कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है केंद्रक द्रव्य, नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रक द्रव्य। और झिल्ली के बीच रहता है कोशिका द्रव्य। फिर से, जीव द्रव्य के दो भाग, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। झिल्ली के बीच रहता है केंद्रक और झिल्ली के बीच कोशिका द्रव्य, और केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य।
जीव द्रव्य में 90% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन चार तत्व है? जीव द्रव्य में 99%, ऑक्सीजन 76%। तो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन 2.5%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19, अकार्बनिक 81, कार्बनिक 19। उल्टा पूछे कार्बनिक अकार्बनिक, तो 19:81, अकार्बनिक 81, कार्बनिक 19। गॉल्जी बॉडी या गॉल्गी बॉडी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने 1867 ईस्वी में। गॉल्जी बॉडी उपकरण की खोज कैमिलो गॉल्जी ने 1867 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन एवं स्वान। क्लियर है? अथवा आवाज भी खरखराहट है, फिर भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिए, बायोलॉजी नहीं दिए, जल्दी दे दीजिए। तो एग्जाम देने जाइए तो इसे पढ़कर जरूर जाइए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, एक भी वंचित ना रहे। क्योंकि आपको पता है कि 100K का टारगेट रखा हूँ, जिस दिन 100K हो गया ताबड़तोड़ मैं ट्रेनिंग का लाइव क्लास और धमाकेदार कंटेंट के साथ चलेगा। क्योंकि व्यवस्था पूरा नहीं रहने के बाद भी मैं YouTube पे सबसे कम समय में सबसे अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया हूं, आप जरूर प्लेलिस्ट चेक करें। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोस। फिर से, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से। कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, यूकैरियोटिक सेल्यूलोस। याद रखिएगा, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में। अनुपस्थित वाला जितना होगा प्रोकैरियोटिक, उपस्थित वाला जितना होगा यूकैरियोटिक। ये ट्रिक हो गया, याद रखिएगा। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है? प्रोकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक। अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक, उपस्थित यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? नहीं होता है मतलब अनुपस्थित, तो प्रोकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित? प्रोकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित? यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र में होता है? प्रोकैरियोटिक। एकल सूत्र में प्रोकैरियोटिक, और दोहरे सूत्र में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र में? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किस प्रकार की कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं होता है। किस प्रकार की कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका में राइबोसोम 705 अवसाद गुणांक के होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक में। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यहाँ देखिए, किस प्रकार के कोशिका में राइबोसोम 805 अवसाद गुणांक का होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? थाइलेकाइड में। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में, यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री एवं समसूत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में गाल्जीकाय अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका में गाल्जीकाय उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक में। कौन सी कोशिका अर्ध विकसित? प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका अधिक विकसित? यूकैरियोटिक। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? पादप कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोगलकेन। पेप्टिडोगलकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगलकेन, याद रखिएगा, पेप्टिडोगलकेन। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में क्या सहायक होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
हरित पादप एवं शैवाल में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। हरित पादप एवं शैवाल में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। कवक एवं जीवाणु में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की। कवक एवं जीवाणु में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की। कोशिका के सभी अवयव एक पतला झिल्ली द्वारा घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उस पतले झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतला झिल्ली द्वारा घिरा होता है, उसे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी यह अर्धपरागमी झिल्ली जिसकी मोटाई कितनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है 25 डिग्री एंगस्ट्रम से 75 डिग्री ए तक। यहाँ दिया हुआ एक डिग्री ए बराबर होता है 10^-10 मीटर, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? फास्फोफिलिड एवं प्रोटीन की। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली बनी होती है फास्फोफिलिड एवं प्रोटीन की, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल नेगेली ने एवं सी क्रैमर ने 1855 में। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? कार्ल नेगेली एवं सी क्रैमर ने 1855 ईस्वी में। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने एवं कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, ये कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य है। तारक काय की खोज किसने की? बोवेरी ने। तारक काय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। तारक काय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है? ध्रुव का निर्माण, समसूत्री विभाजन में। कोशिका विभाजन की क्रिया को तीव्रता कौन प्रदान करता है? तारक काय। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को में तेजी कौन लाता है? तारक काय। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने 1945 में। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने? पोर्टर ने। मनुष्य में अंतःप्रद्रव्य जालिका सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है? यकृत में। मनुष्य में अंतःप्रद्रव्य जालिका सर्वाधिक पाया जाता है यकृत में। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका किससे जुड़ा होता है? एक ओर केंद्रक झिल्ली से, दूसरी ओर कोशिका से। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक ओर केंद्रक झिल्ली से, दूसरी ओर कोशिका से। आगे, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जेई पैलाडे ने 1955 में। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जेई पैलाडे 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने 1958 में। राइबोसोम का नामकरण, राइबोसोम किस चीज का बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का आकार होता है 150 एंगस्ट्रम से 250 एंगस्ट्रम तक के व्यास के। आरबीसी में नहीं पाया जाता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया। इसका नामकरण किसने किया? बेंडा ने। खोज किया अल्टमैन, नामा बेंडा। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। डीएनए केंद्रक को अलावे और किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। जैसे डीएनए केंद्रक में तो पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अल्टमैन ने सर्वप्रथम इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, मनुष्य के एक समान यकृत में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होता है 1000 से 1600 तक। मनुष्य के एक समान यकृत में माइटोकॉन्ड्रिया 1000 से 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी। पीछे भी बता चुके हैं 1898 में। कैमिलो गाल्जी कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गाल्जी काय। यातायात प्रबंधक गाल्जी काय, याद रखिएगा। साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण
गॉल्जिकाय कॉम्प्लेक्स में होता है। साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसमें होता है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में। एक पादप कोशिका कितने गॉल्जिकाय पाए जाते हैं? 10 से 12 गॉल्जिकाय। एक जंतु कोशिका में कितने गॉल्जिकाय? 5 से 7 गॉल्जिकाय। पादप कोशिका में कितने गॉल्जिकाय? 10 से 12। जंतु कोशिका में 5 से 7। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे। याद रखिएगा डी डूबे। नेक्स्ट है, बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 24 प्रकार के। बाहरी पदार्थों के भक्षण एवं पाचन के कारण ही लाइसोसोम के आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। लवक किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में। लवक किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक का रंग हरा, नाम से ही पता चल रहा है, हरित लवक हरा। नेक्स्ट है, अवर्णी लवक का रंग रंगहीन, अवर्णी का रंगहीन हो जाएगा। आगे, हरित लवक का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल, पर्ण हरित के कारण। पर्ण हरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्ण हरित में मुख्य रूप से मैग्नीशियम। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को, पादप कोशिका का रसोई घर। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण। अगला है, पौधे अपना भोजन का संग्रहण करते हैं जड़ों या भूमिगत तनों से। वर्णी लवक का रंग रंगीन, वर्णी रंगीन, मुख्य रूप से लाल पीले एवं नारंगी होते हैं, लाल पीले एवं नारंगी। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल फल भित्ति एवं बीज, फूल फल भित्ति एवं बीज में वर्णी लवक। टमाटर हरा से पीला किस, हरा से लाल यहाँ होना चाहिए, लाइकोपिन के कारण, हरा से लाल लाइकोपिन के कारण। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण नारंगी होता है? तो कैरोटीन के कारण, पीछे कितना बार आ चुका है। चुकंदर होता है लाल किसके कारण? विटामिन के कारण, विटामिन के कारण। आगे, चुकंदर गाठन लाल होता है पीला रंग के कारण, सॉरी विटामिन के कारण, विटामिन के कारण। आगे, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन है? केंद्रक है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल को कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन एवं डीएनए का। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, इसलिए प्रमुख होता है कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, इन धागों को कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मजा तो अब आएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अपने मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से डीएनए, प्रोटीन और थोड़ा सा आरएनए। गुणसूत्र में डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। क्रोमोसोम की खोज की थी अस्ट्रासबर्गर ने 1875 में। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? अस्ट्रासबर्गर ने 1875 में, अस्ट्रासबर्गर। क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू बाल्टियर ने 1888 में। खोज अस्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज यानी गुणसूत्र की खोज, और गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्टियर। अनुवांशिकी का वाहक इसको लिखना चाहिए, अनुवांशिकी का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को, अनुवांशिकी का वाहक। किसके द्वारा अनुवांशिकी के गुणसूत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? बोवेरी एवं सतन के द्वारा। किसके द्वारा अनुवांशिकी के गुणसूत्र के सिद्धांत को प्रतिपादन? बोवेरी एवं सतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। मानव के गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ा बोल सकते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ा। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 या 24 जोड़ा। इस सभी को दो दो तीन तीन बार पढ़ के याद कर लेना है पीडीएफ प्राप्त करके। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 24 जोड़ा। बंदर में 42 21 जोड़ा। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 जोड़ा पूछा है तो 3 जोड़ा। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24, मेढक में 26, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38,
आलू में 48, तंबाकू में 48, फिर से चिंपैंजी में भी 48 था, चिंपैंजी आलू तंबाकू 48, प्याज में 16, चूहा में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78, कबूतर में 80, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 1 या 2 सबसे कम, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42, सबसे अधिक होता है टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600, टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रिका में। आरएनए संश्लेषण डीएनए में मौजूद 4 क्षार होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, याद रखिएगा डीएनए में 4 को क्षार होता है जिसका नाम है एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जबकि आगे हम आपको आरएनए में भी एक क्षार बताएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। डीएनए में मौजूद क्षार होते हैं एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में एडिनिन, देखिए एडिनिन लिखा गया, एडिनिन सदैव किसके साथ, थायमिन के साथ, एडिनिन जो होता है थायमिन के साथ, गुआनिन होता है साइटोसिन के साथ। तो डीएनए में 4 क्षार होते हैं एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, लेकिन एडिनिन होता है थायमिन के साथ। डीएनए में एडिनिन सदैव जुड़ा होता है थायमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ, तो याद रखिएगा एडिनिन थायमिन और साइटोसिन गुआनिन। डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने, डीएनए के यदि पूछेगा डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मिशर ने, यही बच्चा कंफ्यूज होता है, 1869 में खोज फ्रेडरिक मिशर, लेकिन डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वाटसन एवं क्रिक 1953। हेलिक्स का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, तो डीएनए हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन डबल हेलिक्स मॉडल का वाटसन एवं क्रिक, लेकिन डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर। अल्बर्ट कौशल ने इसका नाम यानी डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रखा था, यानी कि डीएनए का नामकरण एक तरीका से किसने किया, अल्बर्ट कौशल ने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड 1881 में। वाटसन एवं क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल के कारण नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1962 में। डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने, वाटसन एवं क्रिक ने, इसके कारण नोबेल मिला 1962 में। डीएनए का निर्माण क्या क्या से होता है, मतलब डीएनए जो बना होता है किस किस चीज से होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन प्रोटीन। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, आरएनए कोशिका के अंदर कहां पाया जाता है, केंद्रक एवं साइटोप्लाज्म में। आरएनए किस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरएनए में कौन सा क्षार होता है, यूरेसिल, पीछे आपको बताए थे साइटोसिन गुआनिन करके 4 को यहां पर है, वो डीएनए में था, और आरएनए में एक एक क्षार पाया जाता है यूरेसिल, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा सहायता करता है, आरआरएनए, प्रोटीन संश्लेषण। टीआरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, कौन, टीआरएनए, प्रोटीन संश्लेषण आरआरएनए, और टीआरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाना। आगे, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में कौन मदद करता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार। जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था बिरचाऊ ने, कोशिका विभाजन को 1855 में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन होता है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ में, असूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, याद रखिएगा। असूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरी शैवाल, स्टमीबा, प्रोटोजोआ। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बाल्थियर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन को, अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम देखा बीसमैन ने। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? दो, समसूत्री में। आगे, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होता है आठ, रुई में गुणसूत्रों की संख्या होता है छब्बीस, सेम में गुणसूत्रों की संख्या होता है बाईस, नींबू में गुणसूत्रों की संख्या अठारह या छत्तीस, हो सकता है अठारह जोड़ी रहे तो छत्तीस, मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या सोलह जोड़ी यानी बत्तीस, यहाँ उल्टा करके लिखा गया है लेकिन आपको कन्फर्म हो लेना है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण। मजेदार क्वेश्चन, अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जोहान ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिक के बारे में, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का इस्तेमाल किया? मटर का पौधा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अनुवांशिक का पिता जोहान ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के बारे में वंशानुक्रम सर्वप्रथम पता लगाया डीएच मॉर्गन ने। अनुवांशिक के बारे में वंशानुक्रम का पता लगाया डीएच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि पूर्वी पर जितने जीवधारी पृथ्वी पर, यहाँ पूर्वी लिखा गया, पृथ्वी पर जितने जीवधारी एवं जीव जंतु हैं उन सब की उत्पत्ति एक सूक्ष्म बहुकेशीय समूह से हुआ? डार्विन ने। किसने कहा कि पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उसका उत्पत्ति सूक्ष्म बहुकोशीय समूह से हुआ? डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने 1859 में। आगे, अनुवांशिकी शब्द का नामकरण डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी शब्द का नामकरण डार्विन ने, सॉरी डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम किसका है? जीन का। अनुवांशिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जोहानसन ने, जीन शब्द का 1909 में। अनुवांशिकी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला जीवधारियों का लक्षण फिनोटाइप, जैसे दो मानव लगभग सकल मिल जाएगा, फिनोटाइप प्रत्यक्ष रूप से। जीवधारियों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं वो होता है जीनोटाइप। आगे, जीन का आधुनिक व्याख्या किसके द्वारा दिया गया? एस बेंजर के द्वारा 1956 में। जीन का आधुनिक व्याख्या एस बेंजर के द्वारा 1956 में। एस बेंजर के द्वारा जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रीन, सिस्ट्रीन। जीन के उत्परिवर्तन की इकाई को कहते हैं म्यूटॉन, म्यूटॉन। जीन के पुनर्संयोजन की इकाई को रेकॉन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज आर्थर कॉर्नबर्ग 1962 में। डीएनए का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में। लिंग के निर्धारण में किसके गुणसूत्र भाग लेते हैं? पुरुष का। लिंग निर्धारण में पुरुष का, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई। महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और एक्स। पुरुष में एक्स और वाई, महिलाओं में एक्स और एक्स, याद रखिए। लड़का पैदा होगा या लड़की, यानी लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर लड़की पैदा होता है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने पर लड़का पैदा होता है। गुणसूत्रों में जो जीन कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में पाया जाता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा जीन। गुणसूत्रों में जो जीन कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में पाया जाता है प्लाज्मा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, हरगोविंद। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडल ने। एक जीन एक एंजाइम।
कोशिका द्रव में उपस्थित 20 अमीनो अम्ल का चुनाव कौन करता है? जेनेटिक कोड। कोशिका द्रव में उपस्थित 20 अमीनो अम्ल का चुनाव जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड का पता लगाने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में हरगोविंद खुराना को। विश्व में पहली बार शुक्राणु बैंक की स्थापना यूएसए में 1994। शुक्राणु बैंक की स्थापना यूएसए 1994। जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग कौन करता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है महिला में। टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है महिला में। प्रायोगिक तौर पर किसने कहा कि जीन गुणसूत्र पर पाया जाता है? मॉर्गन एवं ब्रिजेज ने 1916 में। प्रायोगिक तौर पर माने प्रयोग करने के बाद किसने बताया कि जीन गुणसूत्र पर पाया जाता है? मॉर्गन एवं ब्रिजेज ने। सहलग्नता का पता पहली बार किस वैज्ञानिक ने लगाया? मॉर्गन ने 1910 में। सहलग्नता। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? 100 अवशेषी अंग होते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं बोटनी। पेड़ पौधे उसके क्रियाकलापों के अध्ययन बोटनी। आगे, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति। सफेद रस्ट नामक रोग किसमें होता है? सरसों में। सफेद रस्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन कौन है? जैविक और अजैविक। रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त का निर्माण शरीर में कहां होता है? अस्थि मज्जा में। जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में रहता है तो शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? मीजोडर्म में। जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में रहता है तो रक्त का निर्माण मीजोडर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त का वजन शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत? तो 7%। और रक्तदान कितना कर सकता है? रक्त का 10%। महिलाओं के शरीर में रक्त की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। 0.5 लीटर 500 ग्राम। आगे, रक्त एक क्षारीय बिलियन होता है जिसका पीएच मान 7.4। रक्त कैसा बिलियन होता है? ऑप्शन दे क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4। महिलाओं में रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। पुरुषों में रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कीमिया। महिलाओं में रक्त की कमी होगी एनीमिया, पुरुषों में रक्त की कमी एस्कीमिया। याद रखिएगा, रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? हृदय में। रक्त की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हार्वे। रक्त की खोज विलियम हार्वे। रक्त तो पहले था लेकिन उसे रक्त कहा गया विलियम हार्वे के द्वारा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 310 केल्विन। याद रखिएगा। आगे, रक्त सर्वाधिक गर्म किसका होता है? बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा रक्त होता है कछुआ का 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रोल का सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से 140। आगे, मानव रक्त कितने प्रकार के होता है? 2, प्लाज्मा और रुधिराणु। आगे, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। 55 से 60 देता है, ध्यान रखिएगा। यह रक्त का कैसा भाग होता है? प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल अजीवित पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो होता है तरल अजीवित पदार्थ। प्लाज्मा रक्त में क्या क्या पाया जाता है? जल 90%, प्लाज्मा में जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9 और ग्लूकोज 0.1%। तो प्लाज्मा में जल 90% और प्लाज्मा रक्त में 60%। याद रखिएगा, प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। प्लाज्मा में कौन प्रोटीन उपस्थित रहता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहते हैं सेरम। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लीजिए तो सेरम। रुधिराणु रक्त का शेष कितना भाग होता है? 40%।
रुधिरानु होता 40%, प्लाज्मा होता 60%। रुधिरानु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आप सोचिए रक्त दो प्रकार के, प्लाज्मा, रुधिरानु। अब रुधिरानु दो प्रकार के, तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पसल्स, याद रखिएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। आगे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और पलीहा में। आरबीसी निर्माण किस किस की सहायता से होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन बीस, फॉलिक एसिड। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। आरबीसी का मृत्यु 90% भाग पलीहा में, शेष भाग यकृत में। आगे आरबीसी का मृत्यु पलीहा एवं यकृत में होने के कारण इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। तो आरबीसी रक्त लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक के कारण। हीमोग्लोबिन होता है लवयुक्त प्रोटीन। आगे हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमाइटिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक को कहते हैं हीमाइटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना, आरबीसी का मुख्य कार्य। सोने वक्त आरबीसी कितना प्रतिशत कम हो जाता है? 5%। 4200 मीटर की ऊंचाई पर उनके आरबीसी में कितना प्रतिशत की वृद्धि? 30%। जितना ऊंचा जाएगा आरबीसी बढ़ेगा, सोते समय आरबीसी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या ज्ञात करना हीमोसाइटोमीटर। किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते? स्तनधारियों में अपवाद, ऊंट एवं लामा स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाया जाता है, ऊंट और लामा को छोड़कर। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। आगे यह आकार एवं संरचना, यानी डब्ल्यूबीसी आकार एवं संरचना में किसके समान होता है? तो अमीबा के समान। इसका निर्माण कहाँ होता है? यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं पलीहा में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है केंद्रक। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किस कणिका का बना होता है? न्यूट्रोफिल्स, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1, अधिक से अधिक आरबीसी पाया जाता है 600:1। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? शरीर का सिपाही, डब्ल्यूबीसी, चूंकि यह रोगों से लड़ने का क्षमता देता है जो केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के शरीर में पाया जाता है। रक्त विमाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है मनुष्य और स्तनधारी में ही पाए जाते हैं। आगे प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है केंद्रक। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिन। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। इसकी मृत्यु, प्लेटलेट्स की मृत्यु पलीहा में। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनने में मदद करना। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त को थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोटीन फाइब्रिनोजन। विटामिन पूछा तो विटामिन के। रक्त समूह की खोज लैंडर स्टीनर ने 1900 से 1901 में, लैंडर स्टीनर। रक्त समूह की खोज, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, ए बी, बी और ओ। रक्त समूह की खोज के लिए लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में। मनुष्यों के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन। मनुष्यों के रक्तों में जो भिन्नता होता है
वो ग्लाइकोप्रोटीन एवं एंटीजन के कारण, डेंगू ज्वर के कारण, मानव शरीर में किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स के कारण, प्लेटलेट्स। आगे एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, चार प्रकार के, ए बी ए बी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, ए बी को, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एंटीजन ए एंटीजन बी। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में धातु पाया जाता है लोहा। प्लाज्मा में 90% भाग होता है जल, 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक। नेक्स्ट आइए, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206, मांसपेशियों की संख्या 639। ब्लड ग्रुप ए और बी की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, रक्त वर्ग ए बी की खोज अस्टर्ले ने 1902 में। कौन सा वर्ग एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ग्रुप ओ, एंटीजन उपस्थित नहीं होता है ओ में, और एंटीबॉडी अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होता है ए बी में। याद रखिए, कंफ्यूजन दूर करते हैं, एंटीजन एंटीजन नहीं होता है ग्रुप ओ में और होता है ए बी में, एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में और होता है ओ में। तो ओ में एंटीबॉडी होता है एंटीजन नहीं, और ए बी में एंटीजन होता है एंटीबॉडी नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह में एंटीजन ए बी दोनों उपस्थित होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में, ए बी में एंटीजन होता है एंटीबॉडी नहीं। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी ए बी उपस्थित होता है, ब्लड ग्रुप ओ में, ओ में एंटीबॉडी ए बी में एंटीजन। रक्त बैंक में रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, 30 दिनों तक। रक्त में मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, गठिया नामक बीमारी। रक्त को शरीर के भीतर जमने से कौन रोकता है, हीपेरिन, हीपेरिन नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट 399, रक्त को थक्का जमने में कितना समय लगता है, 2 से 5 मिनट। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में रक्त थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर ने 1940 में, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की प्रयोग पहली बार किस पर किया गया, ऑस्ट्रेलिया में रिसस नामक बंदर पर आरएच फैक्टर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका क्या है, रुधिर का रंगहीन द्रव्य है लसिका, रुधिर का रंगहीन द्रव्य है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मुझे पता है लंबा क्लास होगा, बहुत सारे विद्यार्थी एक बार में नहीं देख पाएंगे, लेकिन एग्जाम रहता है तो जरूर देख लेंगे। तो 2-3 बार करके और पीडीएफ प्राप्त करके आप चाहें तो इसका हार्ड कॉपी भी निकलवा के, लेकिन जरूर इसको पूरा याद कर लें, फिर आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल को संवाहित करना, कार्बोनिक अम्ल को संवाहित करना। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि लसिका में कम होती है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है लसिका में कम होती है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने 1628 में। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कितने भाग हैं, 4, हृदय, धमनियां, सिराएं और रुधिर। रक्त परिसंचरण जिसके द्वारा रक्त का आना जाना होता है, परिवहन होता है, हृदय, धमनियां, सिराएं, रुधिर। हृदय का कुल वजन कितना होता है, 300 ग्राम, हृदय का कुल वजन होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एवं उससे संबंधित बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। मानव हृदय किस तंत्र के से ढका होता है, तो पेरिकार्डियम। याद रखें, मानव का हृदय किस तंत्र से ढका होता है, पेरिकार्डियम। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों से बना होता है, 4, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा हृदय के पीछे एक दायां निलय एवं बायां निलय, याद रखिएगा 4 कोष्ठ। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को कहते हैं सिरा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाएगा, अशुद्ध रक्त ले जाता है सिरा, और फिर उसको हृदय के द्वारा शुद्ध किया जाता है, हृदय से शरीर की ओर रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी। शरीर से हृदय की ओर सिरा, अशुद्ध रक्त,
और हृदय में शुद्ध करके जब वो हृदय से शरीर की ओर लाता है तो धमनी धम धम करते हुए आता है शुद्ध होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त एवं CO2 युक्त रक्त किसमें पाया जाता है? सीरा में। अपवाद, पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि जनरली सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। फेफड़ा से बाएं लिंग में रक्त को कौन पहुंचाता है? यही पल्मोनरी सीरा, इसमें शुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा। शुद्ध रक्त एवं O2 युक्त रक्त किसमें पाया जाता है? धमनी। शुद्ध रक्त एवं O2 रक्त किसमें पाया जाता है? धमनी, ठीक है, धमनी। अपवाद में पल्मोनरी धमनी, जिस प्रकार से पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है उसी प्रकार से पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। दाहिने नीलय से फेफड़ा में रक्त कौन पहुंचाता है? पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय के दाहिने भाग में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त, दाहिने भाग में। हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त मौजूद होता है? शुद्ध रक्त। हृदय से मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने वाले वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी वाहिनी, कोरोनरी वाहिनी। कोरोनरी धमनी में रुकावट उत्पन्न होने से क्या होता है? हार्ट अटैक, हृदय घात, यानी हृदय घात होता है कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार, ऐसे 70 से 75 भी देता है। जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में रहता है तो हृदय कितने बार धड़कता है? 150 बार। हृदय के एक धड़कन में कितना ml रक्त पंप होता है? 70 ml। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80, याद रखिएगा। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन हार्मोन, थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है जबकि क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। अम्लीयता हृदय गति बढ़ाती है, क्षारीयता हृदय गति कम करती है। रक्त दाब की खोज किसने की थी? हेल्स ने, हेल्स ने 1914 में रक्त दाब की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है? तो हृदय को, केंद्रीय पंपिंग स्टेशन। सर्जरी चिकित्सा के द्वारा कृत्रिम हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण, कृत्रिम प्रत्यारोपण माइकल द बाइकी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में, पहला हृदय प्रत्यारोपण माइकल द बाइकी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में। हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप या आला बोलते हैं आम बोलचाल में। हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेसमेकर के द्वारा। मानव हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। यहाँ देखिए, सर्जरी चिकित्सक के द्वारा कृत्रिम हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया था माइकल बैकी ने, लेकिन मानव हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रतिक्रिया किसके अवस्था से गुजरता है? कितने अवस्था थे? 5, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, परित्याग। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख से ही हो जाता है। लाल किस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मनुष्य प्रतिदिन कितना लीटर लार निकालता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। लार की प्रकृति अम्लीय होता है, पीएच मान 6.8। नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो लार में 2 प्रकार के, एक तो टाइलिन एंजाइम होते हैं और दूसरा, इसको इमाइलेज भी कहते हैं, माल्टेज, इमाइलेज और माल्टेज। नेक्स्ट है, टाइलिन भोजन में उपस्थित शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में, माल्टोज में। मुख में पाचन संपन्न होने के बाद आहार नली के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। मुख में पाचन संपन्न होने के बाद आहार नली के माध्यम से पाचन में। अमाशय में भोजन के लिए कितने समय तक रहता है? 4 घंटे। अमाशय में भोजन पाचन के लिए 4 घंटे तक। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथि के कौन से रस निकलता है? जठर रस। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर रस का रंग होता है हल्के पीले रंग का, अम्लीय पदार्थ है जठर रस। नेक्स्ट है, जठर रस क्षारीय भोजन का माध्यम कैसा कर देता है? अम्लीय कर देता है ताकि वो आराम से पच जाए। रेनिन एंजाइम दूध से जलोप्रोटीन कैसिन को किस रूप में
बदल देता है कैल्शियम पाइरोकैप्सिनेट के रूप में। रेनिन एंजाइम दूध में घुले प्रोटीन कैसीन, दो क्वेश्चन बना, एक तो दूध में कैसीन होता है और उसको बदलता है कैल्शियम पाइरोकैप्सिनेट में। नेक्स्ट है लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को किसमें बदल देता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, एमाइलेज। कौन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, एमाइलेज। प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है ट्रिप्सिन। अमाशय में पाचन होने के बाद भोजन कहाँ जाता है, ये जाता है पकवाशय में। अमाशय में पाचन होने के बाद पकवाशय में पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से। पित्त रस निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में, याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होता है, पित्त रस भोजन को अम्लीय से कर देता है क्षारीय। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अम्लीय अम्ल अमीलो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में, सबसे ज्यादा देर छोटी आंत में रहता है भोजन। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित करता है, 2 लीटर, औसतन 2 लीटर। शरीर का सबसे बड़ा पाचन तंत्र का अंग होता है छोटी आंत, सबसे लंबा। छोटी आंत की लंबाई 6.9 मीटर, व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, 6.9 मीटर या लगभग 7 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेज। सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में सुक्रेस, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोस में लैक्टेस, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोस में लैक्टेस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत शरीर के किस ओर अवस्थित रहता है, दाहिनी ओर। लीवर का कुल वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी। लीवर का कुल वजन होता है 1.5 से 2 केजी। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, यकृत। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यकृत। हिपैरिन नामक प्रोटीन का। लीवर के खराब हो जाने के कारण कौन सी बीमारी होता है, हेपेटाइटिस। लीवर के खराब होने के कारण हेपेटाइटिस बीमारी में लीवर का आकार बड़ा हो जाता है, हेपेटाइटिस में लीवर बड़ा। यकृत से निकलने वाला पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। सोचिए कि पित्तरस निकलता कहाँ से होता है, स्रावित होता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। WBC की संख्या बढ़ जाने पर बीमारी होता है ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया। रक्त वाहिनी में रक्त जम जाने को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। रक्त वाहिनी में रक्त जम जाता है, थ्रोम्बोसिस। इंडिया में कितने प्रतिशत रोग में RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव 97%, नेगेटिव 3%, पॉजिटिव 97%, नेगेटिव 3%। यूरोप में कितने प्रतिशत लोगों में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो यूरोप में पॉजिटिव 85%, नेगेटिव 15%। भारत में ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है 23.5%, ब्लड ग्रुप ए वाले का है 23.5%। नेक्स्ट है भारत में ब्लड ग्रुप ए बी वाले की संख्या 7.5%। भारत में ब्लड ग्रुप वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है बी। भारत में किस ब्लड ग्रुप वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, बी। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, फेफड़ा। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है फेफड़ा। कौन सा खनिज मानव शरीर में रक्त के जमाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कैल्शियम।
मनुष्य के रक्त में सामान्य कितनी श्वेत कोशिकाएं पाई जाती हैं? 6000 से 10 लाख प्रति घन एमएम, 6000 से 10000, 6000 से 10000 प्रति घन एमएम पाया जाता है श्वेत कोशिकाएं। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए था? पक्षियों के लिए। फिलोसफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लैमार्क की। फिलोसफिक जूलॉजिक उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिबेरिस ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिबेरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? मेंडल ने। गैमेट की शुद्धता जेनिको प्रौद्योगिकी में अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरीका, जेनेटिक प्रौद्योगिकी क्या है? अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने का तरीका है क्या? जेनिको प्रौद्योगिकी। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बैटसन ने। जेनेटिक्स। जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मॉर्गन एवं कैसल। जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन एवं कैसल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर, सबसे छोटी स्टेपिस, फीमर जांग की हड्डी होती है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहां से स्त्रावित होता है? अग्नाशय से। अपोहन डायलिसिस प्रशासित कब किया गया? जब गुर्दे काम नहीं करते हैं, मतलब कब किया जाता है अपोहन या डायलिसिस? कब किया जाता है? जब गुर्दे यानी किडनी काम नहीं करते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह फंगल बीमारी होती है, फंगस के कारण। ईस्ट और मशरूम होते हैं, ये फफूंद होते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी 12 या विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट, या कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी 12। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। 500 यानी आधा हो गया, आधा और पार लगाना है। निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए, आराम से हो जाएगा। मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशयी रस कहां से स्त्रावित होती है? अग्नाशय से। अग्नाशयी रस की प्रकृति होती है क्षारीय, पीएच मान 7.5 से 8.3, औषधन 7.7। अग्नाशयी रस में क्या क्या उपस्थित होता है? 99.8% जल, शेष भाग लवण एवं एंजाइम। लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका का खोज किसने की थी? चिकित्सा शास्त्री लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस की दीपिका की खोज लैंगरहैंस चिकित्सा शास्त्री है, उन्होंने किया था, इसलिए इसका नाम लैंगरहैंस भी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से कौन हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, मजेदार। अल्फा कोशिका से कौन हार्मोन होता है? ग्लूकोन। अल्फा कोशिका से। गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है? सोमेटोस्टेटिन। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है इंसुलिन। इंसुलिन नेक्स्ट है, इंसुलिन की अधिकता के कारण हाइपोगतनाइसीमिया बीमारी होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह, इंसुलिन बढ़ जाता है तो हाइपोगतनाइसीमिया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। ग्लूकोज बढ़ता है यानी इंसुलिन की कमी हो जाता है, मधुमेह। नेक्स्ट, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट। जीव वैज्ञानिक किस विवाह जोड़ी को मना करते हैं? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस स्त्री, इस प्रकार के जोड़ी को मना करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाले को मना करते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनी ने। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, मजेदार। कौन सा प्रोटोजोआ पौधा
एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है। युगलीना, युगलीना जो है पौधा एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। माँ का दूध शिशु का लाभदायक क्यों होता है? इसमें एंटीबॉडी होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, एंटीबॉडी के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12%। भोजन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? बी और सी। जल में घुलनशील बी और सी चार और जल में घुलनशील बी सी और भाषा में होता है ए डी ई के। एक चार कोष्ठीय हृदय वाला सरीसृप कौन होता है? घड़ियाल। घड़ियाल सरीसृप है जिसमें चार कोष्ठीय हृदय होता है। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्ट शब्द जहां पे आ जाए समझे दूध से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किस वेद में था? सामवेद। सामवेद याद रखिएगा। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लहसुन का। 1 kg शहद से औसत रूप में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। 1 kg शहद से 3500 कैलोरी। यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे, क्यों? ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में। आगे, प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाते हैं? आंवला में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40%। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में कीवी। शराबी व्यक्ति किस विटामिन की कमी हो जाती है? शराबी में विटामिन सी की। किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ता है? एलएच इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ता है। आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि में। यहाँ आथोडीन नहीं होना चाहिए, आयोडीन, थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट, आभासी फल का एक उदाहरण है टमाटर और सेब। आभासी या काल्पनिक फल इसको कहते हैं। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा प्रति 100 ml में रुधिर होता है 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जहां से क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए 1000 क्वेश्चन को घोल कर पी जाओ, छोड़ना नहीं। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? महासागर। 5 महासागर है। सामान्य निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी नली में, सामान्य निषेचन। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोस। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, कंडरा। लिंगामेट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। क्लोरीन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलना, क्लोरीन। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पसला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 का मधुमेह। ध्रुवीय भालू में टाइप 2 का मधुमेह होता है। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई, बाजरा संबंधित है 2 पादप परिवारों से। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा 2 पादप परिवार। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा दौरान किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? विसरण प्रक्रिया कहते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश होती है और उसे छोड़ती है? विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत, कृंतक। दूसरा कृंतक होता है जो हाथी के गजदंत जो बाहर निकला हुआ रहता है।
जलीय जीवों को जीवित रखने के लिए अपेक्षित अनुकूलम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर जलीय जीव को जीवित रखने के लिए 5 mg/6 liter में ऑक्सीजन होता है, 5 mg/6 liter। वृक्षों के तने में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वृक्षवासी। ये तो ऐसे ही हो गया। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा नियत तापी प्राणी व्हेल और शार्क है? नियत तापी। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करता है? कैडमियम के कारण, इटाई इटाई। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 0.1% आहार श्रृंखला में 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न पौधे में। कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? कैटफिश। गाय के घी में किसके कारण पीलापन होता है? कैरोटीन के कारण। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। प्याज का खाने योग्य भाग कौन है? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यादी बुखार से प्रभावित होता है अंग? आंत। निमोनिया से प्रभावित अंग? फेफड़ा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी? नीला बैल। सुक्रोध में, सुक्रोज होना चाहिए, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सुक्रोज में होता है, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। प्रयास बहुत किया गया है फिर भी कुछ कुछ त्रुटियां रह गई हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिपोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहते हैं शैवाल। कौन सा पौधा कीट खाता है? पीचर प्लांट कीट खाता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B1। नारियल के किस भाग को हम खाते हैं? भ्रूण भाग को। नारियल के भ्रूण भाग को हम खाते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं बोटनी। किस प्रकार को के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन H2O और O2 प्राप्त करते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला। बा औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? परशांतक। इसका नाम है परशांतक, टेंशन दूर करने वाला औषधि। बा वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को प्रवैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसाइनिन। वनस्पति पेड़ पौधों को प्रवैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। मृदा की कठोरता मापी जाती है मोह मापनी से, MHO मोह मापनी से। कौन सा एक कवकी रोग है? दाद या खुजली। ब्रिक त्वचा यकृत फेफड़ा इत्यादि का एक कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग। ब्रिक त्वचा यकृत एवं फेफड़ा उत्सर्जी अंग। प्रत्येक मानव के शरीर में कितना किडनी होता है? एक जोड़ा यानी 2 किडनी। ब्रिक का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। किडनी का वजन 140 ग्राम। नेक्स्ट, ब्रिक के कितने भाग होते हैं? 2। बाहरी भाग को कोर्टेस और भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेस, भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1,30,00,000 ब्रिक नालिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक किडनी में कितनी ब्रिक नालिकाएं होते हैं? 1,30,00,000, जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन, जबकि तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, ब्रिक में प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंदन होता है? 125 ml, दिन भर में 180 लीटर निस्पंदन होता है, मतलब वही घूमते रहता है। प्रतिदिन कितना मूत्र का उत्सर्जन होता है ब्रिक में? 1.45 लीटर। सामान्य मूत्र में क्या क्या होता है? जल 95%, लवण 2%, यूरिया 2.7%, यूरिक अम्ल 0.3%। किस वर्णक के उपस्थिति में मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। नेक्स्ट, यूरोक्रोम कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है यूरोक्रोम। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, पीएच मान 6, मूत्र का पीएच मान 6। याद रखिएगा, ब्रिक में बनने वाला पथरी किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में जो स्टोन, किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है।
त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः किसका स्रावन करता है? सीबम एवं पसीने का। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां यह होता है सीबम का, और श्वेत ग्रंथियां यह होता है पसीने का। पसीने की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पीएच मान 7.6। पसीने का पीएच मान 7.6, क्षारीय। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी नेक्स्ट है। त्वचा का रंग निर्धारण, विधारण लिखा गया, निर्धारण किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, इस प्रकार का मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग सफेद किस नामक बीमारी से होता है? टर्मेटोसिस। टर्मेटोसिस नामक बीमारी कारण त्वचा का रंग सफेद हो जाता है। मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? एडिसन। मूत्र में जल तथा सोडियम बढ़ने के कारण एडिसन। ब्रिक किस नामक झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिटोनियम, पेरोटीनियम नामक, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है ब्रिक या किडनी। बाहरी आवरण में होने वाली घटनाएं को सूचना संवेदी का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। बाहरी आवरण में होने वाली घटनाएं को सूचना संवेदी का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कितने भाग में विभक्त होते हैं? तीन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भाग में होता है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त या स्वाधीन। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग से मिलकर बनता है? दो। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क की उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे माना जाता है? कॉकरोच। मस्तिष्क की उपस्थिति या उत्पत्ति किस जीव से हुई? कॉकरोच। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थि का खोल किससे घिरा रहता है? क्रोनियम से। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थि का खोल किससे घिरा होता है? क्रोनियम। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, महिला का 1250 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, महिला 1250 ग्राम। मनुष्य का भार शरीर के कुल, मस्तिष्क का भार शरीर के कुल वजन का 3% होता है। किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल वजन का 3%। मस्तिष्क का आकार कितने वर्षों तक बढ़ता है? 1 से 6 वर्षों तक। उसके बाद मस्तिष्क का आकार नहीं बढ़ता, जो भी बढ़ना रहता है 1 से 6 वर्षों तक। मस्तिष्क में संवेदनशील एवं मुलायम सफेद अंग होता है, जो किससे बना होता है? तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क में संवेदनशील एवं मुलायम सफेद अंग होता है, एक सफेद रंग का अंग होता है वो तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 617 है कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो मस्तिष्क तीन प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला भाग, मध्य मतलब बीच वाला और पश्च मतलब पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सेरिब्रम और डायनसीफेलॉन। डायनसीफेलॉन पूछेगा कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? अग्र भाग में। मध्य मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कार्पोरा क्वाडिजेमिना और सेरिबल पंडकल। पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सेरिबेलम और एक होता है मेड्यूला ऑब्लॉगेंटा। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम अग्र भाग में, सेरिबेलम पश्च भाग में, ध्यान रखना है। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनसीफेलॉन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, थैलमस और एक हाइपोथैलमस। डायनसीफेलॉन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब देखिए, डायनसीफेलॉन ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, इसलिए पूछेगा कि थैलमस और हाइपोथैलमस मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अग्र भाग में। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग या सबसे विकसित भाग। नेक्स्ट है, बुद्धिमता, स्मृति, इच्छा शक्ति, स्मृति मतलब याद, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को। थैलमस का कार्य है दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानना, थैलमस का काम है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करना हाइपोथैलमस। दर्द, ठंडा और गर्म को थैलमस। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाली हार्मोन्स को नियंत्रित करना हाइपोथैलमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा मतलब नफरत, ताप नियंत्रण का केंद्र हाइपोथैलमस को ही माना जाता है। रक्त दाब, जल के उपापचय,
पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्म को पहचानता थैलेमस है, लेकिन उसको नियंत्रित तापमान का नियंत्रित हाइपोथैलेमस ही करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ईईजी, ईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोसेफलोग्राफ, इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राफ, ऐसे करके होता है ईईजी, मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने के लिए। आगे, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र कौन होता है। कार्पोरा क्वाडिजेमिना, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण कार्पोरा क्वाडिजेमिना। मस्तिष्क के अग्रभाग को मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम पेंडिकल, मस्तिष्क के अग्रभाग को मेरुरज्जु से सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल। मानव मस्तिष्क का सबसे संवेदी अंग होता है पश्च मस्तिष्क। देखते होंगे, कहने को है कि पीछे में चोट लगता है तो मनुष्य के बचने की संभावना बहुत कम रहती है या पागल हो जाता है, इसलिए यह सबसे संवेदी अंग होता है, सबसे नाजुक अंग होता है। आगे, शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम। आगे है, आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं कौन ग्रहण करता है। सेरिबेलम। मेडुला ओब्लॉगेंटा का कार्य क्या है। रक्तदाब, आहार नाल, हृदय की गति को नियंत्रित करना। रक्तदाब, आहार नाल, हृदय की गति को नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लॉगेंटा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु बनता है। मेडुला ओब्लॉगेंटा, मेडुला ओब्लॉगेंटा है जो मेरुरज्जु बनता है। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने, मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाओं का। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। 31 जोड़ी। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। लैंगली ने 1921 में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में लैंगली। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। दो, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी एवं परानुकंपी। किसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। किसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है फॉस्फेट, 62%। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में 208, शिशुअवस्था में 300 या उससे अधिक। मानव का 206, बाल्यावस्था में 208, शिशुअवस्था में 300। मानव शरीर में सिर में हड्डियों की संख्या 29। मानव शरीर के सिर में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर के सिर में हड्डियों की संख्या 29। मानव शरीर के, यहाँ सिर में नहीं कपाल में हड्डियों की संख्या होना चाहिए। सिर में पूछा है तो 29, कपाल में 8। चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। याद रखें, मानव शरीर के सिर में हड्डियों की संख्या 29, कपाल में 8। चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। कान में हड्डियों की संख्या 6। मानव शरीर में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26, विकसित होने पर 26, प्रारंभ में 33। दोनों हाथ एवं दोनों पैर में हड्डियों की संख्या 118। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्पेटिस होना चाहिए, स्पेटिस, ठीक है, कान की हड्डी। आगे, मानव शरीर के सबसे मजबूत अंग कौन होता है। जबड़ा। अंग पूछे जाए तो जबड़ा। हड्डियों के जोड़ के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों के जोड़ के लिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी जब टूट जाता है तो देखते होंगे प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है CSO4 H2O। नेक्स्ट, मानव शरीर के हड्डियों में जल की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सी बीमारी होती है। गठिया बीमारी। जो गठिया होता है, जो जोर जोर में दर्द होता है, वो हड्डियों में पानी भर जाता है। पसलियों की कुल हड्डियां संख्या 24 होता है। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। स्टर्लिंग ने 1906 में, हार्मोन का। मानव शरीर में हार्मोन का स्त्रावन कितने, किस ग्रंथि से होता है। दो, बाह्य स्त्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों में किस किस एंजाइम का स्त्राव होता है। दुग्ध ग्रंथि, संवेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अशु ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि का कुल वजन कितना होता है 0.6 ग्राम। अब पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, ध्यान रखना है। मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कपाल के किस हड्डी में स्थित होता है, स्फेनॉइड में, कपाल में होता है स्फेनॉइड में। स्त्रियों के गर्भावस्था के दौरान पीयूष ग्रंथि का आकार बढ़कर हो जाता है 0.8 ग्राम का। वैसे पीयूष ग्रंथि होता है 0.6 ग्राम, गर्भावस्था के दौरान 0.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीएच हार्मोन का पूर्ण रूप होता है अस्माटोटॉपिक हार्मोन। याद रखिएगा, एसटीएच हार्मोन हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एसटीएच का फुल फॉर्म पूछेगा तो अस्माटोटॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट है, शरीर के वृद्धि एवं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है एसटीएच हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य क्या होता है, बौनापन हो जाता है। एसटीएच हार्मोन की अधिकता से भीम का यानी बहुत लंबा चौड़ा आदमी हो जाता है। यहाँ भी एसटीएच ही होना चाहिए। एसटीएच का पूर्ण रूप टीएसएच है। टीएसएच का पूर्ण रूप होता है थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है, टीएसएच हार्मोन। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रेनो कार्टिकोटॉपिक हार्मोन। एसीटीएच का होता है एड्रेनो कार्टिकोटॉपिक हार्मोन। याद रखिएगा ये सब फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्राव को नियंत्रित करता है एसीटीएच हार्मोन। जीटीएच का फुल फॉर्म होता है गोनेक्सोट्रोपिक हार्मोन। जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है जीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एफएसएच और एलएच हार्मोन। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिस सिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनिंग हार्मोन। अंडाशय के फॉलिकल की वृद्धि में कौन मदद करता है, एफएसएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को कोशिका उत्तेजक हार्मोन बोलता है, एलएच हार्मोन। एलटीएच होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलटीएच। दुग्ध स्रावन के उत्तरदायी हार्मोन है एलटीएच हार्मोन। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। देखिए, शरीर में जल संतुलित बनाए रखता है एडीएच एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि में कौन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सब बच रहा है। आगे, थायरोक्सिन स्वाद कैसा होता है, नमकीन, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, जड़ मानवता, मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉइडिज्म। किस बीमारी से ग्रसित बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, जड़ मानवता, जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं। जड़ मानवता रोग किस में होता है, बच्चों में। युवावस्था में होने वाली बीमारी है मिक्सिडमा। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति का हृदय स्पंदन का रक्तचाप कम हो जाता है, मिक्सिडमा। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी होता है घेंघा, ग्वाइटर। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होती है, घेंघा, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, किस रोग के कारण कभी कभी मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण। थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाली बीमारी कौन सी है, टॉक्सिक ग्वाइटर। एक और है एक्सोफैल्थेनिया। नेक्स्ट है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति का हृदय गति तीव्र, रक्तचाप बढ़ जाता है तथा श्वसन दर तीव्र हो जाता है, टॉक्सिक ग्वाइटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति का आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है, यह होता है एक्सोफैथल्मिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है। प्राप्टु ग्रंथि से कितने हार्मोन का स्रावन होता है, दो, एक पैराथायराइड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। प्राप्टु ग्रंथि से दो हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है तो कौन हार्मोन स्रावन होता है, पैराथायराइड हार्मोन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिवृक्क ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दो, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? तो ग्लूकोकॉर्टिक्स कॉर्टिकॉइड्रस, मिनरोकॉर्टिकॉइड्रस एवं लिंग हार्मोन, ये सभी कॉर्टेक्स हार्मोन से निकलते हैं। किस हार्मोन के कारण मुख्य दाढ़ी एवं यौन आचरण का नियंत्रण होता है? लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। किस हार्मोन के कारण मुख्य दाढ़ी एवं यौन आचरण का नियंत्रण होता है? सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, यदि शरीर से कोर्टेक्स बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य कितने समय तक जीवित रहेगा? एक या दो सप्ताह, कोर्टेक्स नहीं रहेगा तो। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन लड़ो या उड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडुला हार्मोन द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन। हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में कौन सा सहायक होता है? एपिनेफ्रिन। अंडाशय के द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में कौन सहायता करता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में कौन सहायक करता है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा आसानी से पैदा होने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। बच्चा आसानी से पैदा होने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है रिलैक्सिन हार्मोन। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण कौन करता है? एस्ट्रोजन। अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है एस्ट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 1:2:3। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। नेक्स्ट 715 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को कितना ऊर्जा देता है? तो ये देता है 50 से 75%, मतलब 50 मानव शरीर में जो ऊर्जा होता है 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के दोनों के संयोजन से क्या बनता है? डाइसैकेराइड। माल्टोज में होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनता है माल्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर बनता है लैक्टोज। आर्थ्रोपोडा के बाहरी कंकाल एवं सेल्यूलोज में क्या पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड्स। आर्थ्रोपोडा के बाहरी कंकाल एवं सेल्यूलोज में पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है तत्काल ऊर्जा के लिए। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जे बर्जिलियस ने 1838 में, जे बर्जिलियस। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 725, मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है? 15%। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर एवं मरास्मस। किस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला एवं पेट बाहर निकलता है? क्वासियोरकर में। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली होती है? मरास्मस में। मरास्मस कितने उम्र वाले बच्चों को होने वाला रोग है? 1 वर्ष से कम उम्र वाले। बसा में कौन से रोग तत्व उपस्थित होता है? कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। बसा में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 1 ग्राम बसा में कितने ऊर्जा प्राप्त होता है? 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम बसा में 9.3 किलो कैलोरी। एक वयस्क व्यक्ति की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 20 से 30%। एक वयस्क व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 20 से 30%। असंतृप्त बसा किससे प्राप्त होता है? मछली के तेल तथा वनस्पति तेल से। मछली के तेल और वनस्पति तेल से असंतृप्त बसा होता है। संतृप्त बसा नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल से, ताड़ का तेल। नेक्स्ट है, बसा कितने ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर बसा जम जाता है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर बसा द्रव अवस्था में हो तो उसे कहेंगे तेल।
20 डिग्री सेल्सियस पर वसा द्रव्य है तो वो तेल कहलाएगा। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, फेक नहीं, फंक ने 1911 में विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? एडेक, जबकि जल में था बीसी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य के प्रकाश। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का खोज किसने किया था? मैकुलन ने 1913 ईस्वी में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोप्लेविन। टोटल लिख के याद कर लेना है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिकम। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनिकम या नियासिन या निकोटिनेमाइड भी होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है पायरिडॉक्सिन। यह सब बी सीरीज वाला चल रहा है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। आगे विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न रोग बेरी। विटामिन बी या बी1 बोले तो बेरी। विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, त्वचा, दाद, ये सब होगा, ठीक है, या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं उसको। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट ने 1912 में। हॉलकट ने विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी अस्कर्वी, मसूड़े का फूलना। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी रिकेटस, बच्चों का हाथ पांव टेढ़ा हो जाना। विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी जनन शक्ति का कम होना, यानी बांझपन जिसको बोल सकते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। गर्भवती महिलाओं पर किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइकुलाच ने 1827 ईस्वी में। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? लेबरन ने 1880 में। किसने मलेरिया परजीवी होने की पुष्टि तथा मलेरिया का वाहक मच्छर को बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का वाहक मच्छर किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। परजीवी से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया पायरिया सोने की बीमारी पेचिस कालाजार। मलेरिया पायरिया सोने की बीमारी पेचिस कालाजार ये सब प्रोटोजोआ से बीमारी है। पेचिस से प्रभावित अंग होता है आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार से प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। जीवाणु से होने वाला रोग है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस। ये सब लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा निम्नलिखित में से जीवाणु से होने वाला रोग कौन नहीं है या कौन है, ऐसे करके दे देगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के ये सारे बहुलक हैं। किसे काली मौत कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना लगा था सिंदरी, झारखंड में। पत्तियों में कुछ छिद्र हुए छिद्र क्या कहलाते हैं? अस्टोमेटा। पत्तियों में हुए छिद्र कहलाते हैं अस्टोमेटा। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। DDT क्या है? यह कीटनाशी है। DDT क्या है? कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन सी। गेहूं के फसल को सबसे अधिक पहुंचाने वाली बीमारी कौन है? ढीला रस्ट सबसे अधिक मतलब हानि पहुंचाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सकुआ का वृक्ष, 120 मीटर। DDT का पूरा रूप होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मांसपेशियों में मनुष्यता और भी प्रोटीन पाई जाती है मायोसिन। मांसपेशियों में मनुष्य का कौन सा मतलब मनुष्य के मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मायोसिन। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच। रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चरीकरण लुई पाश्चर। बच्चों को DPT का टीका क्यों दिया जाता है? डिप्थीरिया काली खांसी टिटनस प्रतिरक्षण के लिए। काली खांसी के जीवाणु कारण होता है हीमोफिलस पर्टुसिस से काली खांसी होता है। फफूंद द्वारा होने वाले रोग है दम्मा, एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन, खुजली, यह सब फफूंदी से होता है, कवक से। नेक्स्ट है एथलीट फुट।
किस कवक से होता है? टीनिया पेडिस से, टीनिया पेडिस। दाद किस कवक से होता है? ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम से। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाज किस कवक से होता है? एकेरस एस्केबिस से। गंजापन किस कवक से होता है? टीनिया कैपेटिस से। दम्मा किस कवक से होता है? स्पर्जिलियस प्यूमिगेटस से। विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सी है? एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रिकोमा, रेबीज, हर्पिस। एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रिकोमा, रेबीज, हर्पिस, ये सारे विषाणु से होने वाले हैं। अब आइए एड्स। AIDS एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। एड्स से प्रभावित अंग कौन सा है? तो यह है प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को प्रभावित करता है एड्स। HIV का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है? आरवोवायरस से, आरवोवायरस। चेचक किस विषाणु से होता है? बैरियोला वायरस। इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? मिक्सो वायरस। रेबीज किस वायरस से होता है? रैबजो वायरस। खसरा होता है मॉरविली वायरस से। ये सभी विषाणु का नाम है। चेचक से प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, रेबीज से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए? HIV। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। एक सामान्य कार्य करने वाला औसत युवा मनुष्य को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 से 3500 कैलोरी। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। पेचिस रोग के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बालू मक्खी के काटने से कौन सा रोग एवं अंग प्रभावित होता है? कालाजार, अस्थि मज्जा। बालू मक्खी के काटने से कौन सा रोग एवं अंग प्रभावित होता है? कालाजार, अस्थि मज्जा। निमोनिया एवं क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा, निमोनिया एवं क्षय अंग से प्रभावित फेफड़ा। जीका बुखार जीका वायरस से होता है, जिसका वाहक कौन है? एडिस मच्छर। जीका बुखार जीका वायरस से होता है, जिसका वाहक है एडिस मच्छर। फाइलेरिया किससे होता है, इसका वाहक कौन है? तो फाइलेरिया होता है बंक्रोफाइट नामक कृमि से, इसका वाहक मच्छर है फाइलेरिया का भी। ब्रंकोफाइट, ब्रंकोफटाई जिसको बोल सकते हैं, नामक कृमि से, और इसका वाहक क्या होता है? मच्छर। वर्णांधता, वर्णांधता से संबंधित व्यक्ति को कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल और हरा। किस रोग से संबंधित व्यक्ति का रक्त थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, एर्नर्ट सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 45। वर्णांधता हीमोफीलिया एवं सिंड्रोम रोग की वाहक कौन होता है? महिला। वर्णांधता हीमोफीलिया एवं सिंड्रोम रोग की वाहक होते हैं महिला। आगे, क्लिनीफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47, मतलब बढ़ जाता है। क्लिनीफेंटर। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एजिप्टी मच्छर, मादा एजिप्टी मच्छर से होता है डेंगू ज्वर। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला आया था 1963 में कोलकाता में, हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 कोलकाता। चिकनगुनिया रोग का प्रकोप भारत में कब शुरू हुआ? 36 वर्ष बाद 2006 में। चिकनगुनिया रोग का प्रकोप भारत में कब शुरू हुआ? 2006 में। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत मनुष्य ही होता है। आगे, क्लिनीफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष कैसा होता है? नपुंसक। क्लिनीफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष होता है नपुंसक। क्लिनीफेंटर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है, जिस जो बच्चे पैदा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति कैसा होता है? ये मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है डाउन सिंड्रोम। किस रोग के कारण मनुष्य का ओड 20 से कट जाता है? होठ, ओठ जिसको बोलते हैं।
एवं जालू एवं दरार हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम किस रोग के कारण मनुष्य का ओठ जो होता है, ओठ यहाँ पे होना चाहिए, बीच से कट जाता है एवं जालू में दरार हो जाते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। मिर्गी को और किस नाम से जानते हैं, अपस्मार रोग। अपस्मार रोग मिर्गी जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कह सकते हैं, एपिलेप्सी को जाना जाता है अपस्मार रोग के रूप में। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। इटाई अस्थि कैंसर रोग कैसे उत्पन्न होता है, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1976। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98। समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98। जननी सुरक्षा योजना 2003-04। वंदे मातरम योजना 2004। विटामिन डी की खोज किसने की, हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कार बॉम्स ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक गर्भ निरोधक गोली होता है, इसका आविष्कार बॉम्समैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का आविष्कार हैनीमैन ने किया, होम्योपैथी का आविष्कार। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार ये किया था बाल्ट यली लेहल ने। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्ट यली लेहल ने। प्रथम प्रखनली शिशु के आविष्कारक कौन थे, एडवर्डस एवं स्ट्रेप्टो। फिर से, प्रथम प्रखनली शिशु के आविष्कारक एडवर्डस एवं स्ट्रेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन की खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने। क्लोफॉर्म की खोज किसने की, हैरिसन एवं सिंपसन ने। टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने। डायबिटीज का आविष्कार मतलब खोज किसने की, बेटिंग ने। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन इसाल्क। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। आरएनए के आविष्कारक जेम्स वाटसन एवं आर्थर हर्ग। आरएनए का जेम्स वाटसन आर्थर हर्ग। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बस रेगुलर करके इसको देख लेना है, दो बार तीन बार चार बार जितना बार संभव हो, सप्ताह में दो बार देख लें या सप्ताह में एक बार पूरा जरूर देख लें। और आप चाहें तो इसका हार्ड कॉपी निकाल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टिक लगा लगा के, ताकि क्लियर हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त करें, वहां पे सभी चीज का पीडीएफ आपको इजीली फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आगे, बैक्टीरिया के आविष्कारक ल्यूवेनहॉक, आरएनए के जेम्स वाटसन आर्थर गर्ग, सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक डॉग मैक सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक डॉग मैक, हृदय हार्मोन के आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन के आविष्कार अस्टेनॉच, गर्भ निरोधक गोलियां के पिनकॉस, चेचक का टीका के आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी का आविष्कार किसने किया, यूरिन कॉलमेट ने। नेक्स्ट, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा किसने किया, तो बेटा जाटोज। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता ऑनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितनी होती है, 532 किलोमीटर प्रति आवर। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है, 150 लाख। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा स्तनी प्राणी है छछुंदर। नेक्स्ट, मानव का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टॉर्टिल यानी कछुआ। नेक्स्ट, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता। सबसे बड़ा सर्प पाइथन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी। ये सब आपको याद होगा, फिर भी रिवीजन जरूरी है। सबसे बड़ा अंग अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। सबसे ऊंचा स्तनी कौन है, जिराफ सबसे ऊंचा। सबसे बड़ा एवं भारी स्तनी है नीलीवेल। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है एल्बाट्रास। नेक्स्ट,
एल्बाट्रास के पंख का फैलाव 10 से 12 फीट। संतान को जन्म देने के बाद स्त्री गर्भाशय का कुल भार कितना रह जाता है? 100 ग्राम, पहले 50 ग्राम। नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। त्रिविमीय चित्र का अध्ययन होलोग्राफी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और आगे है, शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन एनाटोमी। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी। नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन आर्कियोलॉजी। ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी। विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन आर्बोरिकल्चर। विषयों के बारे में अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। अंकों का अध्ययन न्यूमरोलॉजी। आगे, साग उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन ओलेरिकल्चर। साग उत्पन्न करने वाले परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन। सर्प का अध्ययन ऑफियोलॉजी। भूगोल एवं मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी। अंगूर का अध्ययन बीटीकल्चर। कमाल का क्वेश्चन, अंगूर का अध्ययन बीटीकल्चर। जीव एवं पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी। भूकंप विज्ञान का अध्ययन सिस्मोलॉजी। आधा याद है आपको। दांत मसूड़ा का अध्ययन डेंटोलॉजी। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में आता है? एडिस मच्छर के द्वारा। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दिमाग को। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कौन सा रोग होता है? मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से मरासमस। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एवं वंशानुगत बीमारी है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? खून। थैलेसीमिया मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज किस थी? रोनाल्ड रॉस ने। किस विटामिन की कमी से कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटो मलेरिया मलेशिया होता है? केरेटो मलेशिया विटामिन ए की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता या केरेटो मलेशिया विटामिन ए। कौन कौन से विटामिन बसा में घुलनशील है? एडेक एडीए के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोबारा आ गया, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बीसी। आगे, डेंगू ज्वर डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सेलेट की वजह से। किडनी का जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सेलेट होता है। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? ऑस्टियोप्रोसिस के लिए। ऑस्टियोप्रोसिस। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग रोग। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं? स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में। गाय के दूध का रंग पीला सफेद किसकी उपस्थिति के कारण? तो पीला सफेद होता है कैसीन के कारण, पीला होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोसीमिया। एनोसीमिया किसकी कमी को कहते हैं? तो प्राण संवेदना की कमी को, सूंघने की शक्ति की कमी को, ही एनोसीमिया कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु बसा में उपस्थित बसी अल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। घात करो और छिप जाओ नाम से कौन विषाणु विख्यात है? आरएसवी विषाणु। कौन सा शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कुनैन तथा ऑटीथर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसके कारण मिनी माता या छोटी माता रोग होता है? पारा के प्रदूषण के कारण। मनुष्य में एफलाटा विषन खाद विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ईजी किस अंग की जानकारी प्रणाली है? मस्तिष्क। ईजी ईसीजी हृदय, हृदय को जांच के लिए ईसीजी, मस्तिष्क जांच के लिए ईजी। नेक्स्ट,
रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है? फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी अवधारणा बढ़ोतरी होती है? असाधारण बढ़ोतरी। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC अधिक से अधिक बढ़ जाता है, इसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया। दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है फ्लोराइड। एलिसा जांच द्वारा किस रोग की पहचान होती है? एड्स। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन खून जमने में आवश्यक मदद करता है? विटामिन के। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। मतलब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत तो गाजर है, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन ए कहाँ से मिलता है? मतलब मनुष्य के अंदर, यदि शरीर में विटामिन ए का कहा जाए तो यकृत में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा रहती है? वसा ऊतक में। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत? 42%। भोजन का प्रमुख अंग कौन है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का प्रमुख अंग है मतलब ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? mg के प्रति डेसीलीटर में। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है? हिपेरिन। आगे, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजना करी है? सरीसृप व पक्षी। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। आगे, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। टीनिया जिसको फीता कृमि कहते हैं, तथा फेसियोला वर्ण कृमि जिसको कहते हैं, किस संघ के उदाहरण है? तो ये प्लेटी हेलमेंथिस ग्रुप से आते हैं, फीता कृमि और वर्ण कृमि, टीनिया और फेलेंसियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन फिश किसे कहते हैं? टेरोइस बोलियंस को लॉयन फिश कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? काइटिन के रूप में, समुद्री चूहिया काइटिन। मानव सहस लछुतम कपि कौन है? गिबन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में कपाल में 8 बताए थे पीछे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो सरंध्री रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमजोर क्यों होती है? कैल्शियम की कमी के कारण, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थियों एवं पेशियों के आपस में जोड़ा जाता है टेंडन से। अस्थि का अस्थि से जोड़ा जाता है लिंगामेंटस। अस्थि एवं पेशियों को जोड़ा जाता है मांसपेशियों को टेंडन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। दुग्ध प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को 1 बार धड़कने में कितना समय? 0.8 सेकंड। दौड़ लगाते वक्त मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तचाप होना चाहिए बढ़ जाता है। शरीर के विशालतम धमनी कौन है? एओर्टा धमनी। एओर्टा धमनी है जो शरीर के विशालतम धमनी है। RH फैक्टर का पता लगाया था लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। मस्तिष्क के किस भाग से भूख लगने एवं भोजन के तृप्ति की अनुभूति होती है कि अब हमारा पेट भर गया अब हम नहीं खाएंगे? ये हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। गर्भाशय में मानव भ्रूण के विकास के लिए पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। केव्र चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविन अम्ल का। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का आविष्कार होता है, स्राव होता है, बहाव होता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण होता है। जीवन रक्षक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव, प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाव। मनुष्य के आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत, यकृत। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कंडरा किसे जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। कंडरा जिसको टेंडन कहते हैं, मांसपेशी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से लिंगामेंटस, याद रखिएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द यूट्रस है, गर्भाशय को यूट्रस भी कहते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशयी रस में। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मानव शरीर में कक्षा की संख्या 4। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम। तत्व पूछा जाए तो कैल्शियम, विटामिन के। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, सोते समय घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में, दीर्घ अस्थि में। अगला, मानव का मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 ग्राम या 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि अरु अस्थि, फीमर, जांग की हड्डी जिसको कहते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, मेलानिन। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेदात्मक, संवेदात्मक क्रिया लिखना चाहिए, हाइपोथैलेमस। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग क्या मापने में करते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने में, ऑक्सीनोमीटर का। और क्वेश्चन नंबर 999 है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। छुई मुई के पत्ती में किस प्रकार की गति होती है? कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन। छुई मुई के पत्ते में कंपानुकुंचन। तो आप लोगों ने देखा कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया। इसका पीडीएफ प्राप्त करके 2-3-4-5 बार पढ़ें या सप्ताह में एक बार टारगेट रखें कि खत्म कर दें, तो बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, ये एक बार हम पढ़ा दिए तो कुछ नहीं होगा, रिवीजन मस्ट है। इसके अलावा आपको पता ही है कि मैं रेगुलर मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अभी तो फिलहाल 10-10-10 का दाम सुपर 20 सुपर 30 के द्वारा मिल रहा है। इसके अलावा मास्टर वीडियो मैं दे चुका हूं, 2700-3200 बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन दे चुका हूं, और अपने असाइनमेंट से पूरा सॉल्यूशन, साथ ही साथ एप्लीकेशन से भी आप सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करके अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जम के शेयर करें सभी दोस्तों को। 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री और ये 1000 बायोलॉजी हो गया। ये आपके 80% साइंस को कवर कर देगा किसी भी एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।